हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 20x50। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, फ्रंट इसका 20 फीट दिया, लंबाई इसकी 50 फीट दी है। इसका साइज दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। इसमें आपको बेसमेंट प्लान मिलेगा, उसके बाद आपको शॉप प्लान मिलेगा, उसके ऊपर आपको 3 BHK हाउस प्लान पूरा कम्प्लीट मिलेगा। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है। देख सकते हैं फ्रंट इसका 20 फीट दिया, लंबाई इसकी 50 फीट दी है, कुछ इस तरीके से इसका साइज दिया है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के जाल भी उपलब्ध कराए गए हैं, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हैं बेसमेंट में जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे अदर अदर साइज के। देख सकते हैं अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते हैं अपने प्लान की ओर। बेसमेंट आपका रोड से 5 फीट नीचा है और 5 फीट ऊँचा है। देख सकते हैं बेसमेंट आपका रोड से 5 फीट नीचा है और 5 फीट ऊँचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसमेंट में जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। देख सकते हैं सीढ़ियों से आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको शटर मिल जाता है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको पूरा हॉल दिख जाएगा। बेसमेंट आपका पूरा हॉल बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 फीट का जीना उपलब्ध कराया गया है कुछ इस तरीके से। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। ये पैर रखने वाला आपका 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। बेसमेंट से डायरेक्ट आप ऊपर आ जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको जीना उपलब्ध कराया गया है। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 20x43 इसका साइज दिया है। देख सकते हैं 20x43 इसका साइज दिया हुआ है। देख सकते हैं अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। ये सीढ़ियाँ आपकी 6 फिट की बनी हुई हैं। देख सकते हैं 6 फिट की आपकी सीढ़ियाँ बनी हैं। सीढ़ियों से आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको छज्जा मिल जाता है जो कि आपका 3 फिट का छज्जा दिया गया है। ये छज्जा आप देख सकते हैं, छज्जा आपका 3 फिट का दिया है। आराम से आप दुकान में आ जा सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको छज्जा दिया है, 3 फिट का आपका छज्जा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट में ही एंट्री गेट मिल जाएगा। गेट आपका 6 फिट का लगा है, आप अपने हिसाब से 5 फिट 4 फिट जितना भी आपको लगाना हो लगा सकते हैं। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने के नीचे आपको स्पेस मिल जाता है। देख सकते हैं नॉर्मल आपको स्पेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत जीना मिल जाता है। ये जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ है। देख सकते हैं जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया है। स्टेशन आपका 3x6 का बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये पैर रखने वाला आपका 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको शटर मिल जाता है। देख सकते हैं शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको पूरा हॉल दिख जाता है। यहाँ पे आपको पूरा हॉल मिल जाता है। देख सकते हैं आप अपने हिसाब से डेकोरेट करा लेंगे पूरा शॉप प्लान आपका। यहाँ पे पूरा हॉल मिल जाता है। इस हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 20x43 इसका भी साइज दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से आप बेसमेंट में आ जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको जीना उपलब्ध कराया है, जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टॉयलेट दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्री गेट दिया है। इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको 3x4 की टॉयलेट मिल जाएगी। ये 3x4 की आपकी टॉयलेट बनी हुई है। अगर आप इस साइड से भी एंट्री लेना चाहते तो मैंने यहाँ पे आपको 3 फिट का गेट दिया हुआ है। इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप शॉप प्लान में आ जाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट उपलब्ध आया है, यहाँ से भी आप आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं हाउस प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। उसके बाद तुरंत ऊपर जाने के लिए जीना मिल जाता है आपको, नीचे जैसा पूरा आपका सेम जीना बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आप सबसे पहले हॉल में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हॉल में आ जाएंगे, अच्छा खासा आपका हॉल बना हुआ है। हॉल से पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिख जाएगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बैठक मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई, बालकनी आने जाने के लिए एंट्री गेट भी दिया गया है। ऊपर वाला भी छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से छज्जा निकाला हुआ है। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 10x13 की आपकी बैठक बनी हुई है। देख सकते हैं 10x13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिल जाता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको घूम दिख जाता है।
यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है आपको। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x12, 10x12 इस रूम का साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं 10x12। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलेगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रोशनदान दिया है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा हुआ है 6x6 इसका साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं 6x6। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छा खासा हॉल मिल जाता है। इस हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 13x19 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं 13x19 का आपका हॉल बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल जाती है, आप अपने हिसाब से डेकोरेट करा सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो उपलब्ध कराई है इस साइड भी, और इस साइड से भी आपको दी है। ऊपर आपका जाल रखा गया, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा किचन का। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 6x10 की आप किचन बनी हुई है, देख सकते हैं 6x10। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक मास्टर बेडरूम दिख जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंट्री गेट दिया है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम अटैच मिल जाएगी रूम में ही, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए छोटा सा रोशनदान दिया है, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट लगा सकते हैं आप। 6x6 की आपकी लैट्रिन बनी हुई है, 6x6 की आपकी कमांड लैट्रिन बाथरूम बनी हुई है, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 12x13 का आपका मास्टर बेडरूम बना हुआ है, देख सकते हैं 12x13 का आपका मास्टर बेडरूम बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको 3BHK हाउस प्लान पूरा कंप्लीट मिलता है, देख सकते हैं फुल वेंटिलेशन साथ आपको कंप्लीट प्लान मिलता है। अब बात करते हैं अटिया के फ्रंट एलिवेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट अटिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये आपकी कंप्लीट अटिया बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जाल उपलब्ध कराए गए हैं, ये आपका लैट्रिन बाथरूम का जाल दिया, ये आपकी पीछे किचन का जाल दिया हुआ है, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। फ्रंट का एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से रखा है, यहाँ पे आपको स्पेस दिया है, देख सकते हैं आराम से आ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री गेट भी उपलब्ध कराया है, ऊपर भी छज्जा 3 फिट का निकला है, नीचे वाला भी छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्रंट एलिवेशन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ग्लास का यूज किया है, काफ़ी अच्छा खासा उजाला भी बना रहेगा। 20x50 में पूरा कंप्लीट आपको प्लान मिलता है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।